आज का यह पावन पवित्र दिवस शाश्वती नौपद जी की ओली जी की आराधना और उसी में तृतीय पद की आराधना आचार्य पद की आराधना का दिवस और उसमें भी विशेष रूप से देखा जाए तो गुरुदेव तपा गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्रीमती जय प्रेम सुरेश्वर जी महाराजा और उनके भी गुरुदेव वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमती जय भक्ति सुरेश्वर जी महाराजा उनका 148वां जन्म दिवस और लौकिक रूप से देखा जाए तो माता जी की आराधना के विशेष दिन चल रहे हैं और उसमें भी 9 दिन में देखा जाए तो सबसे विशिष्ट आराधना का आज का दिन अष्टमी का दिन। तीनों समन्वय एक साथ में है, शाश्वती ओली जी की आराधना भी है उसमें आचार्य पद की आराधना का दिवस है। ऐसे आचार्य भगवान जिसके लिए शास्त्रों में लिखा गया, जिसके लिए धर्म ग्रंथों में लिखा गया, जिसके लिए हमारी परंपरा में लिखा गया, जिसके लिए कल्प सूत्रकार भगवंतों ने लिखा, जिसके लिए अनेक महापुरुषों ने लिखा कि जब तीर्थंकर परमात्मा को पूछा गया कि भगवान आप नहीं होगे तो ये शासन कौन चलाएगा, शासन की चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, किसके कंधे पर ये शासन का भार निर्वहन होगा, कौन ये शासन को आने वाले 21,000 साल तक चलाएगा, किसके माथे पर यह जिम्मेदारी। और तब जाके परमात्मा महावीर ने यह बताया, आप चिंता न करें, आप फिक्र न करें, तीर्थयर समोसुरी। कहा कि तीर्थंकर श्री संघ की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर चतुर्विध श्री संघ की स्थापना करते हैं, लेकिन तीर्थंकर समान ही तीर्थंकर के बाद यदि कोई होगे तो वो आचार्य भगवंत होगे जो हजारों वर्ष तक हमारे जिन शासन की परंपरा को जीवंत रखेंगे, हजारों साल तक जिन शासन को जीवंत रखेंगे, हजारों वर्ष तक जिन शासन को अद्भुत रूप से निर्वहन करेंगे, हजारों साल तक जिन शासन को निर्विघ्न रूप से चलाएंगे। ये ताकत किसी के अंदर होगी तो किसके अंदर होगी, किसके अंदर होगी, आचार्य भगवान के अंदर। और ऐसे जिन शासन के 2600 साल के इतिहास में कितने आचार्य भगवान हो गए और परमात्मा आदिनाथ से देखा जाए तो अनेकों आचार्य भगवान हो गए। और इसीलिए हम नमस्कार महामंत्र के तृतीय पद में प्रतिदिन दिन में 10 बार हम स्मरण करते हुए कहते हैं तृतीय पद में नमो आयरियाण। क्या बोलते हैं, नमो आयरियाण। प्रतिदिन हम बोलते हैं नमो आयरियाणम। जितने भी आचार्य भगवंत हो गए सभी को हम नमस्कार करते हैं, वर्तमान में जितने भी आचार्य भगवंत हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं और भविष्य में जितने भी आचार्य भगवंत होने वाले हैं उन सभी को भी हम नमस्कार करते हैं। ये नमो आयरियाणम की ताकत। आप सोच सकते हो एक आचार्य भगवंत जिन शासन के कितने अद्भुत कार्य संपन्न करते हैं, करवाते हैं, कितने उनकी प्रेरणा से जिन शासन के अनेकों कार्य संपन्न होते हैं। और जब 250-300 आचार्य भगवान आज के समय में वर्तमान में उपस्थित है तो हम सोच सकते हैं कि जिन शासन की धुरा को संभालने का काम, जिन शासन का निर्वहन करने का काम, जिन शासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम यदि कोई करते हैं तो कौन करते हैं, कौन करते हैं, आचार्य। और इसीलिए परमात्मा महावीर ने कहा तीर्थयर समोसुरी। कहा कि देखा जाए यदि तुलना की जाए तो तीर्थंकर के समान जिसकी पदवी है ऐसे हमारे आचार्य भगवंत है और आचार्य भगवंत की पद की आराधना का आज का दिन है। अरे जिन शासन के इतिहास में आप देखो एक एक आचार्य भगवंत ऐसे हो गए, ऐसे अद्भुत, ऐसे महाप्रभावशाली, जिन्होंने जिन शासन की काया पलट कर दी, जिन्होंने जिन शासन के लिए अपना तन मन जीवन न्योछावर कर लिया, जिन्होंने जिन शासन के लिए अपने हृदय से इतनी अच्छी भावना भाई, जिन शासन के लिए अपने तन से ऐसे अद्भुत कार्य किए, जिन्होंने जिन शासन के लिए अपने मुख से इतनी सुंदर प्रेरणा दी और उसी की बदौलत आज जिन शासन इतना जीवंत है, इतना जागृत है, इतना सुव्यवस्थित है और इतना सुंदर रूप से चल रहा है। मैं तो कई बार कहता हूं कि 2600 साल के इतिहास में 3 आचार्य भगवंत ने बड़ी कमाल कर दी।
ऐसे तो अनेक आचार्य भगवंत हुए, सभी वंदनीय, सभी पूजनीय, सभी के चरणों में हम भाव पूर्वक वंदना करते हैं, लेकिन तीन आचार्य भगवंत 2600 साल के इतिहास में ऐसे हुए जिन्होंने जिन शासन की काया पलट कर दी। तीन आचार्य भगवंत में मुझे सबसे पहला नाम स्मरण होता है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी। दो हाथ जोड़ करके वो महापुरुष के चरणों में वंदना करते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज, उनके जीवन में उन्होंने ज्ञान के लिए इतना अद्भुत कार्य किया, पूरे जीवन में 3.5 करोड़ श्लोक नए बनाए। कितने श्लोक? फिगर सुन लेना जरा कान खोल के, 3.5 करोड़। हम जीवन में 3.5 करोड़ श्लोक पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते, उसको कंठस्थ करना चाहे तो नहीं कर सकते। अरे यदि हम हिसाब मिला ले तो भी हमें समझ में आ जाए कि रोज के आदमी 50 श्लोक बना ले, 100 बना ले, फिर भी महीने में कितने हो जाते हैं? रोज के 100 हो जाए तो महीने में कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाएंगे। साल में कितने हो जाएंगे? 36000 हो जाएंगे। 10 साल में 360000 हो जाएंगे। अरे आयुष्य कितना होता है आदमी? कब अभ्यास उन्होंने किया होगा, कब से श्लोक बनाना प्रारंभ किया होगा, और कब जाके जिन शासन की ऐसी अद्भुत प्रभावना की होगी, कुमारपाल जैसे राजा को प्रतिबोधित करना, जीवन में 3.5 करोड़ श्लोकों की रचना करनी, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना, सबसे पहले आचार्य भगवान नाम याद रख लेना। कौन से आचार्य भगवान? कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज। अरे इतिहासकार तो ये लिखते हैं कि उस समय केवल ज्ञान की प्राप्ति बंद हो गई थी, वरना उनको ये प्राप्ति भी हो जाती, इतना अद्भुत उनका ज्ञान के लिए पुरुषार्थ था, इसीलिए उनको कलिकाल के सर्वज्ञ कहा जाता है। हम परमात्मा के नाम के आगे सर्वज्ञ की उपाधि लगाते हैं, लेकिन उनको कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है, ये ताकत उनके भीतर थी। दूसरे आचार्य भगवंत हुए याकिनी महत्तरा सुरु, परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में 1444 ग्रंथ की रचना करी। एक ग्रंथ इसी में 100 श्लोक हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है। 1444 ग्रंथ की रचना, जन्म से ब्राह्मण, जैन धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन जीवन में एक ऐसी परिवर्तनकारी घटना घटित हुई और ऐसे परिवर्तित हुए जो ये मानते थे कि मैं हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर जाऊंगा, लेकिन जैन मंदिर में पैर नहीं रखूंगा, ये भावना जिनके हृदय में थी, वही व्यक्ति जिन शासन का महान प्रभावक आचार्य भगवंत बने। ये ताकत कहां से आई? भीतर से आई, एक श्रमणी भगवंत की प्रेरणा से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, इसीलिए उनके नाम के आगे लिखा जाता है याकिनी महत्तरा। वो याकिनी श्रमणी थी और जिनकी वजह से उनके जीवन में ऐसा अद्भुत परिवर्तन आया, जीवन में 1444 ग्रंथ की रचना करी, 1444 नए ग्रंथ उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए और जीवन के अंतिम समय तक वो ग्रंथ की रचना करते रहे। अंतिम ग्रंथ उनका संसार दावा, और संसार दावा जब वो बना रहे थे तब 3 गाथा बन गई, चौथी गाथा की पहली लाइन बन गई और 3 लाइनें बाकी रह गई। उनके हृदय में भावना थी कि 1444वां ग्रंथ है, यदि ये पूरा हो जाए तो मेरा संकल्प पूरा हो जाए, लेकिन 3 लाइन बाकी थी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए और सकल संघ ने साथ में मिलकर के उनकी स्मृति में 3 लाइन बनाई, झंकारारा वसारा, और उसी की परंपरा को याद करते हुए आज भी 14 के प्रतिक्रमण में, चौमासी के प्रतिक्रमण में, संवत्सरी के प्रतिक्रमण में हम 3 लाइन सकल संघ साथ में मिलकर के बोलते हैं, झंकारारा वसारा, जो हम बड़े आवाज से, उर्ध्व आवाज से, हम भावोल्लास के साथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का वो 1444वां ग्रंथ था और वो ग्रंथ परिपूर्ण नहीं कर पाए और सकल संघ ने साथ में मिलकर के पूरा किया, इसलिए दूसरे जिन शासन के महाप्रभावक आचार्य भगवान यदि कोई हो तो याकिनी महत्तरा सुनो हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज। और तीसरे एक और आचार्य अकबर प्रतिबोधक परम पूज्य आचार्य भगवान, कौन से महाराज साहब? हीर सुरेश्वर जी महाराज, जिन्होंने एक मुसलमान सम्राट को प्रतिबोधित कर दिया। साधु के जीवन में क्या ताकत होती है, साधु के शब्दों में क्या ताकत होती है, साधु की वाणी में क्या ताकत होती है, साधु की क्रियाओं में क्या ताकत होती है, यदि ये जानना हो तो हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब का जीवन चरित्र जीवन में एक बार पढ़ देना। यहाँ पे जिनाले में प्रतिमा जी है, शायद कई लोग प्रतिदिन पूजा करते होंगे, लेकिन हमने उनके चरित्र को पढ़ने की कोशिश नहीं करी कि क्या उनके जीवन में चमत्कार था, क्या उनके जीवन में प्रभाव था कि एक
मुस्लिम सम्राट जो प्रतिदिन सुबह उठकर अनेक चिड़िया को मारकर उसकी जिह्वा की जो नाश्ता करता था, उसकी जिह्वा से जो नौकारसी करता था, ऐसा अकबर जिसके जीवन में मांसाहार की प्रधानता थी, उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला दिया कि वही अकबर के राज में साल के 6 महीने कत्ल खाने बंद रहते थे। ये ताकत यदि किसके भीतर थी तो हरिहर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास थी, जिन्होंने गुजरात से बिहार करके दिल्ली तक आए और आकर के अकबर जैसे अकबर को प्रतिबोधित कर दिया, उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया और जिन शासन के लिए एक नया स्वर्णिम अध्याय शुरू कर दिया। अरे मैं कहता हूं आज भी ऐसे गुरु भगवान मौजूद है जो अनेक मांसाहारियों को मांसाहार छुड़वाते हैं। अभी अभी जब हम इस बार जम्मू कश्मीर की यात्रा के ऊपर गए और वहां पे जब अनेक मुस्लिम लोग गुरुदेव के संपर्क में आए, तब गुरुदेव आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने अनेकों लोगों को समझा करके, उनको तर्क से उनको खंडित करके, उनको उनकी विचारधारा को तोड़ करके अनेक लोगों को मांसाहार भी छुड़वाया। आज के समय में भी ऐसे उदाहरण बनते हैं क्योंकि तीर्थयर समो सूरी, तीर्थंकर परमात्मा के चले जाने के बाद शासन की धुरा यदि कोई संभालता है तो कौन संभालता है? आचार्य भगवंत संभालते हैं। और ये गुरु परंपरा के 3 उत्तम महान आचार्य भगवंत परम पूज्य कलिकार सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज, याकिनी महत्तरा सुनो, परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज और अकबर प्रतिबोधक परम पूज्य आचार्य भगवंत हीर सुरेश्वर जी महाराज, तीनों महापुरुष के चरणों में हम भावपूर्वक कोटि कोटि वंदना करते हैं। और आज ऐसे ही एक आचार्य भगवंत का जन्मदिन भी है, उनका नाम है परम पूज्य वर्धमान तपोनिधि आचार्य भगवंत भक्ति सुरेश्वर जी महाराज। जब समी में वो विराजमान थे, एक व्यक्ति उनके पास गया कि गुरुदेव मैं मुंबई में रहता हूं, पाईधुनी के आसपास में मेरा घर है और गुरुदेव मैं ये चाहता हूं कि कोई भोजनशाला का निर्माण मेरी ओर से मुझे मुंबई में करना है। अब गुरुदेव आपके पास मार्गदर्शन प्रेरणा लेने के लिए आया कि कई लोगों को भोजन की दिक्कत होती है, भोजन की परेशानी होती है और मैं चाहता हूं कि वहां पर एक भोजनशाला का निर्माण हमारी ओर से हो, हमारे परिवार की ओर से हो, ऐसी मेरी भावना है। और तब जीवन में पहली बार परम पूज्य आचार्य भगवान भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने वो श्रावक को बिठाया और बिठा करके कहा कि भाई सुनो, जो भोजनशाला आप बनाना चाहते हो वो तो और कोई भी बना लेगा, भोजन की व्यवस्था तो और कहीं भी हो जाएगी, सामान्य लोगों की भोजन की व्यवस्था और कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणा देना चाहता हूं कि हमारे वहां पे पूरे मुंबई में एक भी आयंबिल भवन नहीं है, जिसको आयंबिल करना हो, घर पे व्यवस्था नहीं होती हो तो कहां जाएंगे आयंबिल करने? कई लोगों के मन में भावना होती है कि मुझे आयंबिल करना है, घर पे खाना बनाना आता नहीं है, किस तरह से कैसे बनाए, या तो घर में जिम्मेदारी इतनी है कि दोनों किचन एक साथ हो नहीं सकते, ऐसे लोग आयंबिल करने कहां जाएंगे। और मैं तुझे ये प्रेरणा करता हूं कि भोजनशाला नहीं बनाओगे तो चलेगा, लेकिन आयंबिल भवन बनाओ, आयंबिल भवन में अनेकों लोग आयंबिल की तपस्या करेंगे, आराधना करेंगे, वहां बैठ करके आयंबिल करेंगे और सभी लाभ तुझे प्राप्त होगा। वो भैया के दिमाग में बात बैठ गई, उन्होंने जाकर के संघ में बात करी मुझे एम्बिल भवन बनाना है, कहा किसने प्रेरणा दी, ऐसा एम्बिल भवन आज तक भारत में नहीं है, भोजनशाला बहुत है, धर्मशाला बहुत है, जिनालय बहुत है, उपासने बहुत है, ज्ञान मंदिर बहुत है, लेकिन एम्बिल भवन एक भी नहीं है। कहा कि ये प्रेरणा तुझे किसने दी? कहा कि गुजरात में मैं समी गया था संखेश्वर के बाजू में और वहां भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुझे प्रेरणा दी और संघ ने साथ में मिलकर के कुंभार टुकड़ा एक मुंबई में जगह है वहां पे पहला एम्बिल भवन बनाया और उसके बाद में आज पूरे भारत भर में अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संघों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पर एम्बिल भवन बनना शुरू हो गया। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब की यह ताकत थी कि पूरे भारत भर में आज जो एम्बिल भवन हम देखते हैं जगह जगह पर, कहीं 200 एम्बिल होते हैं, कहीं 500 एम्बिल होते हैं, अरे यहाँ तो हम बहुत छोटे से संघ में है, लेकिन जब आप मुंबई चले जाओ, आप अहमदाबाद चले जाओ और वहां जाकर के एम्बिल भवनों में आप भीड़ देखो, आपको लगे कि क्या ये स्वामी वात्सल्य की भीड़ है, कहीं 400 एम्बिल, कहीं 500 एम्बिल, कहीं 700 एम्बिल, और 14 के दिन तो ऐसे ऐसे संघ है, गोरेगांव जैसे, मुलुंड जैसे,
बोरीवली जैसे ऐसे ऐसे संघ है जहाँ एक एक हजार आयंबिल होते हैं, और ये पूरे भारत भर में आयंबिल भवनों का शुभारंभ करने वाले कोई थे तो भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब थे। और ऐसे भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब का आज 148वां जन्मदिन है, वो गुरुदेव के चरणों में हम भावपूर्वक वंदना करते हैं, कोटि कोटि वंदना करते हैं। गुरुदेव आपकी आयंबिल की परंपरा हम संभाल पाए, हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं आयंबिल के प्रति एक प्रेम जागृत हो, क्योंकि उपवास हमारे से हो जाता है, आयंबिल करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। उपवास तो हम कर लेते हैं, आयंबिल करना थोड़ा मुश्किल बन जाता है, तो वो गुरुदेव के चरणों में भी भावपूर्वक वंदना करते हैं। और उसके पश्चात हम सबके परमोपकारी गुरुदेव श्री आचार्य भगवान तपागच्छाधिपति प्रेम श्रीश्वर जी महाराजा, जो तपागच्छ के नायक थे, 14,000 श्रमणी भगवंतों के अधिपति थे, वो गुरुदेव के चरणों में भी हम भावपूर्वक वंदना करते हैं, क्योंकि आज आचार्य पद का दिन है। और हम सबके परमोपकारी शास्त्र विशारद जैनाचार्य, जिन्होंने जिन शासन की अद्भुत पताका दसों दिशा में फैलाई, और जिन्होंने अपने जीवन में जिन शासन के लिए इतने अद्भुत कार्य संपन्न किए, इतना साहित्य का काम किया, ऐसे हम सबके परमोपकारी अभी अभी जिनका शताब्दी महोत्सव हम सब ने साथ में मिलकर मनाया, ऐसे शास्त्र विशारद जैनाचार्य विजय धर्मश्रीश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में भी हम भावपूर्वक वंदना करते हैं। और उसी परंपरा के उज्ज्वल नक्षत्र चतुर्मासिक निश्रा प्रदाता हम सबके परमोपकारी, जिनकी आशीर्वृष्टि हमारे ऊपर आपके ऊपर हर हमेशा होती है, आधी रात को चले जाओ आशीर्वाद के हाथ हमेशा मस्तक के ऊपर ही होते हैं, जब भी गुरु भगवान के पास चले जाइए तो निश्चित तौर पर लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी शांति का अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसे हम सबके परमोपकारी गुरुदेव श्री आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में भी हम भावपूर्वक कोटि कोटि वंदना करते हैं। और आज के आचार्य पद के दिन जिन शासन के सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदना करते हैं, और आचार्य भगवंतों से एक ही निवेदन विनती करते हैं कि गुरु भगवान आपके जैसी आचार के गुण हमारे जीवन में आए और हम भी हमारे जीवन को सफल बनाए, यही एक मंगल कामना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।